अरे शिवम, क्या कर रहा है? अरे मुट्ठी, आज अचानक कैसे? अरे से क्या हुआ? ये मत पूछ यार, बहुत लंबी कहानी है। मैं बता ना कैसे हुआ। तुझे तो पता है ना कितना वेला है ये, घर में बैठे बैठे सी मक्खियाँ और मुट्ठी यही मारता है। हाँ वो तो है। तो मैंने इसे बोला कितना फ्री बैठा है तो कुछ पार्ट टाइम जॉब कर ले। तो ये गया? हाँ गया ना, वहीं से तो इसकी हालत हुई है। सबसे पहले गया मैथ अंकल के टॉय एंड स्पोर्ट्स दुकान में, वहाँ पे एक लड़की आती है और बोलती है भैया एक शटल कॉक दे दो, और ये अपना वाला कॉक समझ लेता है। और ये जन आप क्या कहते हैं? मैडम हम सेक्सटर तो नहीं बेचते, हाँ पर आपको असली कॉक का मजा लेना है तो शाम को 6 बजे के बाद फ्री हूँ मैं। कैसा वक्त हो रहा है ये? बस इतने में लड़की ने चिल्ला दिया और सारे लोग आसपास के लोग जमा हो गए, और फिर सब लोगों ने मिलकर इसे ऐसी पब्लिक धुलाई दी कि अब तक इसका सूजा पड़ा हुआ है। अब कॉक का मतलब तो मुझे वही लगा, अपना वाला। और दूसरा तो मत ही बोल, शादी में गाना गाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। क्या बात कर रहा है? बारातियों ने बोला था रास्ता का क्यूट वॉल्यूम 1 का निकले, ये साला वॉल्यूम 1 का करा गया। अब वॉल्यूम 1 बोला तो मुझे वही लगा, अपना वाला। बारातियों संग दूल्हा भी तलवार लेके भागा था इसके पीछे। तीसरे में क्या हुआ? तीसरा तो बोली मत, तीसरा तो फ्री फंड का मार खा कर आया। वो कैसे? जो अपने कमिश्नर अंकल है ना, खुराना अंकल, उन्होंने इसको बोला था जनार्दन मेरे बेटा फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जा रहा है, थोड़ा इसे कुछ यूनिक बना दो ताकि ये नंबर 1 बनकर आए। तो इस जनाब ने वही किया, फैंसी ड्रेस के लिए बच्चों को बड़ा कॉन्डम पहना दिया। वहाँ पे सब लोग हैरान, जज भी शॉक थे। एक जज पूछता है बेटा ये क्या बन के आई हो? अब वो छोटा सा मासूम बच्चा क्या बोलेगा, बोलता है सर कोई हाथी तो कोई घोड़ा बन के आया, मैं लौड़ा बन के आया। ओह नो, अंकल ने तो सबसे यूनिक बोला था। फिर कमिश्नर अंकल ने हवालात के अंदर जो गांड में डंडे दिए इसके, ओहो फट गया हाथ में आ गए इसके। बहुत मारा यार, बहुत मारा, अब तक सूजा पड़ा हुआ है। इतना सब कांड होने के बावजूद भी जो अपने कैलाश बहना बाउंसर उनके बेटे को ट्यूशन देने में लगवाया, उम्मीद करता हूँ फिर से कोई कचूटी ना की इसने। ओ झाटू, तूने मेरे बेटे को क्या सिखा दिया? बेचो तब क्या कर दिया तूने? ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेजम बोलता है और कॉन्डम को कॉन्डम। भैया ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेजम में कंफ्यूज हो गया था। झाटू तू तो गया। सॉरी भैया।